नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है। उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलते हैं, मैं सब्ज़ी लूँगी यहाँ से और बढ़िया से रेसिपी आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। तो आप लोग लगातार पूरा देखिएगा। चलिए मैं चलती हूँ। तो दोस्तों खेत के पास हम आ गए हैं। देखिए हमारे गाँव में बरसात जब होता है तो गाय और भैंस का गोबर जो है खेत के किनारे पर रखते हैं, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो खेत में इसका छिड़काव कर देते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ चौराई के खेत में। देखिए चौराई का पेड़ है, बहुत बढ़िया है। और मैं बड़े पत्ते वाला जो है चौराई लूँगी, तो इसलिए मैं इस खेत में आई हूँ जो बड़े पत्ते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। तो इस समय दोस्तों हमारे गांव में चौराई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी इसकी बनती है और बहुत ही फायदेमंद भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग पास से देख सकते हैं कितनी बढ़िया पत्ती है, एक भी कीटा नहीं लगा है। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी चौराइया जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसी को मैं खोट रही हूँ, खोट लेती हूँ ऐसे। तो हम तो हाथ से तोड़ रहे हैं और जिनका खेत है दोस्तों तो हसिए से काट कर मार्केट में बेचने के लिए इसको अच्छे से गठरी बनाकर बेचते हैं। तो डलिए कि मैं रख देती हूँ और देखिए मैं दोनों हाथ से थोड़ा जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ। तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया पत्ती है, एकदम बड़े बड़े पत्ते हैं चौराई का। बहुत ही बढ़िया रेसिपी इसका बनेगा, बहुत ही फायदेमंद भी है। तो हमने चौराई को ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। तो मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं चौराई को इसका पत्ता जो है तोड़ लेते हैं और डंठल को अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बड़े पत्ते का इसीलिए मैंने लिया था क्योंकि मुझे पत्ते का ही काम है, पत्ते का ही रेसिपी बनाऊंगी। तो देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं चौराई का। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब कई पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें कीड़े लग जाते हैं, तो मैं कीड़े वाले पत्ते नहीं ले रही हूँ, बहुत अच्छे पत्ते हैं, मैंने देख कर ही लिया है। तो दोस्तों मैं अच्छे अच्छे पत्ते को मैंने ये तोड़ लिया है, थोड़ा सा और है मैं तोड़ लेती हूँ। और आज मैं नाश्ता बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो को लगते रहिए। तो हमने सारे पत्तों को तोड़ लिया है, तो आप लोग देख लीजिए कितना बढ़िया हमारा ये पत्ता है चौराई का। और इसको मैं डंठल को भर के इसमें रख देती हूँ। दोस्तों मुझे पत्ते अलग करना था और इसीलिए मैंने इसको धोया नहीं था, अब मैं इसको धोऊंगी। अब इसी भगोले में मैं चौराई को धो लेती हूँ। तो हमने ये दो पानी से अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको पानी को नोचोड़ निचोड़ के निकाल देती हूँ। अब मैं चौराई के पत्ते को काट लेती हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसे ही काट लेती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें डंठल तो है नहीं, बहुत ही आराम से कट रहा है। तो हमने सारे चौराई को काट लिया है, ये थोड़ा सा इसको भी काट लेते हैं। ये मिर्ची को भी हम काट लेते हैं। ये मिर्ची को भी हमने काट लिया है। तो दोस्तों मैं बनाऊंगी चौराई के पकौड़े, तो उसमें क्या क्या सामग्री हम डाल रहे हैं आप लोग पास से देख लीजिए।
तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसे हरा मिर्चा। हरा मिर्चा डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे और इसमें हल्का सा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन थोड़ा सा मैं इसको 1.5 चम्मच का दे रही हूँ। अब हाथ से थोड़ा सा इसको हथेलियों से रगड़ देते हैं। अब मैं मसाले को अच्छे से मिला लेती हूँ। तो मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें चना का बेसन है, इसको मैं मिला रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं मिलाती जाऊँगी और हाथ से अच्छे से मसलती जाऊँगी। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालकर और थोड़ा सा मैं बेसन और डाला है। अब इसके बाद थोड़ा सा और मिलाते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिला लेते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ। एक साथ में पानी ना डालें क्योंकि इसमें नमक भी बड़ा है और पत्ते भी हमने अभी धुला था, उसमें पानी ऑलरेडी है, जैसे गीला ना हो। पकौड़ी बनाने के लिए देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको मिलाकर रख दिया है साइड में और चूल्हे को भी हमने जला लिया है। अब इस पे रखते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालते हैं रिफाइन का तेल। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें छोटे छोटे अब पकौड़े बना के इसमें डाल रहे हैं गोला बनाकर। तो हल्का सा टाइट हो गया है, मैं इसको पलट देती हूँ। तो ये हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा आवाज आ रहा है इसमें से, बढ़िया से पका है हमारा। तो ऐसे ही मैं दूसरी घान को बना लेती हूँ। तो दोस्तों चौराई का पकौड़ा हमारा बहुत ही बढ़िया बन रहा है, एक बार आप लोग फिर जरूर बनाइएगा क्योंकि बरसात के महीने में इसमें चौराई बहुत ही बढ़िया से मिल रही है। जैसा आप चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। आज को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं रखा है, मीडियम आज में हम पका दे रहे हैं। तो शुरू शुरू में जब दोस्तों डालते हैं थोड़ा सा आज तेज़ रखते हैं, उसके बाद जो पकने लगता है तो कम कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा पकौड़ी बन रहा है, देखिए। तो कोई भी नाश्ता हो दोस्तों, जब पकौड़ी ही बहुत ही बढ़िया लगता है, किसी भी समय दो नाश्ते में। तो ये लास्ट खान है, इसको भी मैं बता लेती हूँ। तो पकौड़ी हमने सारा छान लिया है। थोड़ा सा इसमें मिर्चा में बेसन लगा के इसके भी तल लेते हैं। पकौड़ी के साथ मिर्चा भी खाते हैं, अच्छा लगता है। मिर्चा को हमने थोड़ा सा पका लिया है। अब कढ़ाई को उतार के चलेंगे यहाँ अब चटनी बनाने। तो मैं बनाऊंगी करौंदा की चटनी। तो इसको मैंने अच्छे से धो लेती हूँ। अब सिलबट्टे पे हमने मिर्चा रखा हुआ है, अब इस पर करौंदे डालकर पीस लेती हूँ। तो करौंदा हमारा हरा भी है और सफ़ेद भी है।
छोटा चटनी को हमने पीस लिया है, अब मैं कटोरे में उठा लेती हूँ। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिलाती हूँ। पानी मिलाकर इसको अच्छे से, नमक को मिलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा समय और पानी मिला देती हूँ। तो देखिए करौंदे की चटनी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। तो चौराहे की पकौड़ी हमने बनाया है और ये बहुत ही बढ़िया बना भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा पका है, कितना अच्छा कुरकुरा है। देखिए इसमें कर करके आवाज़ें आ रही हैं। और साथ में हमने मिर्चा भी इसको तला है, मिर्चा भी बहुत लोग पसंद करते हैं। और ये करौंदे की चटनी देखिए हमारे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों हमने चौराहे के पकौड़े बनाए हैं और साथ में बनाया है करौंदे की चटनी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।